तांडव मचाया कि उसने एक महिला पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, बाद में महिला की मौत हो गई। पूरा मामला आपको दिखाते हैं। शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र का ये मामला है। सिमरई गांव की ये घटना हुई है, जहां एक महिला अपने घर की छत पर खाना खा रही थी। इतने में एक बंदर ने महिला को खाना खाते हुए देख लिया। वो महिला के पास पहुंचा और उस पर झपट पड़ा। महिला बंदर के हमले से बचने के लिए भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसी दौरान उसके साथ बड़ी अनहोनी हो गई और वो सीधे छत से नीचे गिर गई। महिला जमीन पर मुंह के बल गिरी और बुरी तरह घायल हो गई। उसके बाद तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीण महिला को आनंद फानंद में जिला अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में महिला की मौत हो गई। शाम का समय था, वो छत से खाना खा रही थी। शाम को समय तो अचानक झटका मारा, ठीक है, जिस कारण वो छत से नीचे खड़ंजे पर जाकर गिरी। तो क्या भागी फिर? बंदर ने झपट्टा मारा तो वो नीचे गिरी जी। इसी कारण जब गिरी तो नीचे खड़ंजा था। अच्छा भाई, तो सिरके पर गिरी। मृतक महिला का नाम सेमवती बताया जा रहा है। शुक्रवार की ये घटना है। 40 साल की सेमवती घर का काम खत्म करने के बाद छत पर खाना खा रही थी, लेकिन बंदर ने सेमवती पर हमला कर दिया। छत से गिरने पर उनके सिर, कमर और पैरों में गहरी चोट लग गई। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया है। बाद में पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिया। सोमवती की अचानक मौत से घर वालों को गहरा सदमा लगा है। कहा जा रहा है कि सिमरई और आसपास के गांव में बंदर ने आतंक मचाया हुआ है, जहां बंदर किसी भी वक्त धावा बोल देते हैं, घरों से खाने का सामान अपने साथ ले जाते हैं। अगर कोई रोकने की कोशिश करता है तो उस पर हमला भी करने से पीछे नहीं हटते। बंदरों को भगाने की कोशिश कई लोगों पर भारी भी पड़ी। गांव के कई लोगों को बंदर काट चुके हैं। शाहजहांपुर से न्यूज 18 के लिए दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मथुरा और वृंदावन में बंदरों का आतंक लगातार कैसे हुआ, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दर्दनाक हादसा भोजीपुरा थाने से कुछ दूर नैनीताल रोड पर हुआ। शनिवार की रात अर्टिका कार में सवार लोग शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। घड़ी में 11 बज चुके थे, लेकिन रास्ते में एक अनहोनी सभी का इंतजार कर रही थी। कार में 8 लोग सवार थे। अचानक कार का टायर फटा और वो डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी लेन में पहुंच गई, जहां कार एक डंपर से टकराती है और उसके बाद एक जोरदार धमाका होता है। कार और डंपर दोनों आग की चपेट में आ गए। कार में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, जिससे बाद में सभी बुरी तरह से झुलस गए और बाद में सभी की मौत की खबर आई। हादसे के बाद मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। ये स्टेट हाईवे है, बरेली और नैनीताल। ये बरेली है इधर से, और ये सामने जो सड़क जा रही है बैक साइड में, वो नैनीताल हाईवे है। इस रोड से ये गाड़ी आई थी, सामने मैं आप दिखाऊं, इस रोड से गाड़ी आई और सामने पंचर होने के बाद ये गाड़ी सीधे यहाँ पर टकराते हुए सीधे यहाँ पर जो ट्रक है आपको दिखा रहा हूँ, पूरी तरीके से जल चुका है, इससे टकरा गई। जो कुछ लोग हैं जो रात पहुँचे थे, उनसे बातचीत करते हैं क्या हुआ था पूरा हादसा। जी बताएं। मैं आया था 12 बजे घर से, तो मैंने देखा इसमें आग जल रही थी, गाड़ी इसके आगे थी और गाड़ी का टायर फटा था। टायर फटने के बाद गाड़ी बरेली से आ रही थी, भैड़ी को जा रही थी कार, तो इस पार डिवाइडर पार गिरी थी। ये गाड़ी आ रही थी भरवी, इसके आगे जब गिरी तो वो हैं आगे आगे लगी थी, तो ये गाड़ी उससे चिपक गई। बचाई थी बहुत, जब सिलेंडर फटाया उसका तब उसमें आग लगी, और उससे 22 मिनट बाद इसमें आग लगी। इसमें गैस की गाड़ी थी, सिलेंडर फटा, सीएनजी गाड़ी, कार सीएनजी थी। कहा जा रहा है कि रास्ते में दभौरा गांव के पास कार का पहिया अचानक फट गया, उसके बाद कार का बैलेंस बिगड़ा। घटना के बाद कई थानों की पुलिस पहुंची, जहां दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन किसी की जान नहीं बच पाई। जैसे मैं आपको ये बताऊं, ये देखिए, ये गाड़ी का जो सेंट्रल लॉक है, जब हम इसको बंद कर देते हैं तब हम इसको खोल रहे हैं लगातार बार बार, मगर ये गाड़ी का लॉक नहीं खुल रहा है। जाहिर सी बात है, जब एक्सीडेंट हुआ होगा
तो गाड़ी के सारे सेंटर लॉक बंद हो गए होंगे, वायरिंग जल गई होगी और इसी के चलते सारे लोग गाड़ी के अंदर तड़पते रहे, जलते रहे और उनकी मौके पर ही जल के मौत हो गई। बाद में शवों को गाड़ी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। क्या आपने सब देखे? हमने एक सर की पहचान कर ली, वो हमारा भतीजा है आलिम नाम का, और दूसरे की एक चैन से पहचान करिए, और बाकी लोगों को जो घर वाले परिवार वाले लोग आएंगे वो बताएंगे। बाकी और सबों की पहचान हो पाई है? जैसे आप बता रहे हो दो की पहचान हुई है, और लोगों की? तीन की पहचान हो गई, एक ड्राइवर साहब की पहचान होगी, बाकी तीन चार लोगों की पहचान नहीं हुई, वो अपने घर वाले परिवार वाले अब क्या पहचानेंगे, इसमें मिट्टी में राख बन गई। कहा जा रहा है कि कार का ड्राइवर मितापुर जागीर का रहने वाला था और बाकी सात लोग जाम शुमाली गांव के थे। अब शवों के डीएनए टेस्ट की बात भी की जा रही है। आपको विदित है इसमें जो है आठ डेथ हुई है जैसे संज्ञान में आए, तो उसमें तीन साइज पहचान कर ली गई है, पांच जो है नहीं पहचान हो पाएंगे, उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और कराने के उपरांत ही पता पड़ेगा। हादसे के पीछे सेंट्रल लॉक होने की बात कही जा रही है। ऑटो एक्सपर्ट का इस पर क्या कहना है ये सुनिए। आई एम क्वाइट सर्टन, मे बी 100% कि इसके अंदर जो आठ लोग बैठे हुए थे एक गाड़ी के अंदर, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी, क्योंकि उसके अंदर साधन ही नहीं है आठ सीट बेल्ट लगाने का। गाड़ी के अंदर पांच सीट बेल्ट होती हैं और ये इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई होंगी, विद द रिजल्ट के ये इम्पैक्ट के साथ जो अंदर के लोग हैं दे देमसेल्व्स गेट सो बैडली इंजर्ड कि उनको होश ही नहीं रहती, वो बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, और बेहोशी के अंदर ही ये ऐसे हादसे होते हैं जबकि आप अपने आप को बाहर ना निकाल सके। सेंट्रल लॉकिंग की हादसे की एकमात्र वजह नहीं हो सकती है, ये भी एक्सपर्ट टूटू धवन ने बताया। देखिए गाड़ी तो सेंट्रल लॉकिंग जो है आजकल 20 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। सेंट्रल लॉकिंग को हम सिर्फ नहीं ब्लेम कर सकते, हम ब्लेम करते हैं जो अंदर जो लोग हैं जो अपने आप को निकाल नहीं सकते। अब इंसान को होश हो तो वो शीशा तोड़ के भी बाहर निकाल सकता है। तो इस तरह शादी का जश्न गम में बदल गया। भीषण हादसे के बाद कोहराम मचा हुआ है, मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अक्सर कार के सेंट्रल लॉक के काम न करने से परेशानी होती है जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। न्यूज 18 संवाददाता फराग खान से जानिए ऐसे हालात में क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो पैनिक नहीं होना चाहिए, और जिस सेंट्रल लॉकिंग की हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस लॉक की हम बात कर रहे हैं, ये बैटरी से कनेक्टेड होती है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है फोर्स में होता है तो ये काम करना बंद कर देती है। अब जो ये इंसिडेंट हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ अभी अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि आठ लोग थे, हो सकता है सीट बेल्ट ना लगाई हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है जब भी आप ट्रैवल करें आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कि अगर आपको अपना बचाव करना है, सेंट्रल लॉकिंग हो जाती है, कार नहीं खुल रही है, तो सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है और जानकारी जरूरी है, इसलिए ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं और आपके लिए जरूरी भी है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं इससे आपको ऐसे ऐसे जोर से मारना है जिससे ये जो शीशा ऊपर का होता है ये काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर जोर जोर से मारेंगे तो ये जो शीशा है ये ऊपर की तरफ आ सकता है और आपको आसानी होगी। अगर ये भी आपसे नहीं होता है तो आपको क्या करना है, एक सीट का सहारा लेना है, इस तरीके से आप सीट को खींचेंगे, और अगर ये भी नहीं हो पाता, क्योंकि मैं बार बार पैनिक ना होना इसलिए बोल रही हूँ, जब इंसान पैनिक होता है तो वो ऐसी चीजें नहीं कर पाता, जब आप इसको निकाल लेंगे तो आपको इसे जोर जोर से मारना है, मारने के बाद जब आप इसे जोर से मारेंगे तो ये शीशा जो है ये निकल जाएगा, या आप चाहें तो ऐसे भी इसे मार सकते हैं तो शीशा टूट जाएगा, फोर्स से मारना है आपको। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आप निकल सकते हैं। ये बात तो हमने सेंट्रल लॉकिंग की। कई बार क्या होता है कि जब इस तरीके का कोई एक्सीडेंट होता है, पैसेंजर ज्यादा होते हैं, तो उसके बाद सेंट्रल लॉकिंग नहीं भी होती तो बहुत ज्यादा लोग जो है वो पैनिक हो जाते हैं क्योंकि पैसेंजर ज्यादा हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी पैसेंजर पीछे है
सबसे पहले उसको निकाले ताकि वो आगे वाले की हेल्प कर सके। और जो ये पूरा ये जो केस है इसमें बताया गया है और इसमें अज्यूम किया जा रहा है कि 8 लोग थे, सीट बेल्ट नहीं थी, तो अपनी सेफ्टी का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और जब भी आप किसी लॉन्ग ट्रिप पर जाएं या कुछ भी, तो आप सेफ्टी प्रिकॉशंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर बच्चे छोटे हो तो उनको फ्रंट में जो है रख के ना बैठे, क्योंकि एयर बैग जो है वो निकलते हैं, उससे बच्चों को भी चोट पहुंच सकती है। बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और इस पूरी डेमोन्स्ट्रेशन का यही मकसद है कि जितना आप लोग इस बारे में जान सकेंगे उतना अच्छा होगा। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। औरैया में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार ने गाड़ी के इंतजार में खड़े 10 लोगों को कुचल दिया, जिनमें 3 की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में पिता और 2 मासूम बेटियां शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए औरैया और सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। घटना एरवाकट्रा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उमरैन पुल के निकट किलोमीटर संख्या 37 पर समय करीब अपराह्न 12:15 बजे दिन में सवारी वाहन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को लखनऊ की तरफ से अधिकतम स्पीड से आ रही हुंडई की औरा कार ने टक्कर मार दी थी, जिसमें कुल 10 लोग घायल हो गए थे, जिन्हें स्थानीय अरवाकटरा थाना पुलिस व लोगों द्वारा उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज सैफई व CSC अरवाकटरा तत्काल लाया गया था। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।